अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इलेक्शन से मुतालिक फाइनल हियरिंग थी और वहाँ पर बहस होनी थी। तो आज के व्लॉग में हम आपको जो कोर्ट की कार्रवाई है उससे आगाह करेंगे कि आज जो है वो कमरा अदालत में क्या हुआ। तो इससे पहले वाला जो व्लॉग था, जो दो दिन पहले मैंने अपलोड किया था, उसमें हमने बताया था कि जी जो पटिशनर के वकील हैं उनके दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके थे परसों, और आज बाकी के जो रिस्पोंडेंट्स थे उन लोगों ने दलाइल देने थे। रिस्पोंडेंट्स के जो वकील हैं इम्तियाज़ साहब, उन्होंने दलाइल देना शुरू किए, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो दफ़ात इसकी जो सेक्शन 9 की हैं वो पढ़ी, उन्होंने सेक्शन 9 की 2 जो है वो भी पढ़ी, उसके बाद सेक्शन 9 की 4 सब सेक्शन भी पढ़ी, फिर उसके बाद उन्होंने 5 सेक्शन भी पढ़ी, और 5 का आधा हिस्सा जो है वो पढ़ा, और जो आधा हिस्सा जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर का जिक्र है वो जो है वो उन्होंने नहीं पढ़ा। तो ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जो है वो ये कहा कि जी आप मुझे जो 9(3) है जिसमें कहा गया है कि मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर रीनोमिनेशन और री इलेक्शन टू द काउंसिल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब टर्म, इस पे आपने जो है वो सेटिस्फाई करना है, इस पे आप मुझे बताएं कि बात जो हो रही है वो इस पे हो रही है। चुनाचे वो कभी उन्होंने इस पे ले गए, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलें आप ये जो इसकी सेक्शन सब सेक्शन 5 है वो पूरी पढ़ें। जब वो पूरी पढ़ी तो उसमें आगे उसका एडमिनिस्ट्रेटर का भी जिक्र है कि अगर काउंसिल जो है वो उसमें नहीं रहती, पूरी नहीं रहती, इसमें लिखा हुआ है कि जी इफ़ एट एनी टाइम द काउंसिल सीज टू एग्जिस्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ इट्स प्रिस्क्राइब टेन्योर ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल शैल टिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू काउंसिल और फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year बी एक्सरसाइज एंड परफॉर्म बाय सच पर्सन और अथॉरिटी एज मे बी अपॉइंटेड बाई द फेडरल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो ये जब उन्होंने पढ़ा तो जज साहब ने कहा कि ये तो बात तो क्लियर है, तो वो जो जो रिस्पॉन्डेंट के वकील थे इम्तियाज साहब वो कहने लगे जी इसमें कंट्राडिक्शन है कि जो जो सेक्शन सब सेक्शन 3 है 9(3) और 9(5) में कंट्राडिक्शन है। उन्होंने कहा जी क्या कंट्राडिक्शन है, उन्होंने कहा जी 9(3) कह रही है कि जी मतलब जब उसकी टेन्योर पूरा होगा तो तब वो इलेक्शन लड़ने का जो है वो हामिल होगा और या रीनोमिनेशन के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन सेक्शन सब 5 ये कह रही है कि उसकी जो 9(5) जो है वो ये कह रही है कि 3 महीने पहले जो है वो इलेक्शन उसमें करवा दिया जाएगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि जी तो इसमें हर्ज क्या है कि जी वो मतलब इसमें वो कहाँ उसमें कंट्राडिक्शन कहाँ पे है, तो वो इसमें क्लियर थे जज साहब, लेकिन वो जो रिस्पोंडेंट थे वो इनको इसमें पूरा नहीं कर सके और सेटिस्फाई जो है करने में नाकाम रहे। बार बार उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि जी अच्छा, फिर जब उन्होंने कहा कि जी आप मुझे इससे मुतालिक बताएं यहाँ पे केस जो है वो ये है 9(3) है कि जी वो एलिजिबल थे या नहीं थे, तो इस पे अगर आप उन्हें कुछ और मुझे देना है तो वो दे दें और वरना आप मुझे इस पे सेटिस्फाई करें। अच्छा, वो जब नहीं कर सके, मुतमईन नहीं कर सके, तो जज साहब ने वो फाइल उठा के और वो रख दी और उन्होंने कहा जी नेक्स्ट केस। जब वो नेक्स्ट केस के लिए कहा तो फिर इनके वकील साहब ने फिर कहा कि जी हम कुछ और गुजारिशात करना चाहते हैं आपसे, वो हमारी सुन लें। उन्होंने कहा जी फरमाइए, तो उन्होंने कहा जी चलें अब इस तरह से कर लेते हैं कि हमारे जो ये कैंडिडेट्स हैं ये रिज़ाइन कर देते हैं, अब रिज़ाइन कर देते हैं तो आप नई कोई डेट अनाउंस कर दें और फिर नया जो है ना वो प्रोसेस हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो जाएगा इसके मुताबिक जो है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इलेक्शन करा दें। तो जज साहब ने कहा ये तो इशू ही नहीं है भाई, इसके अंदर जो अपील है, जो प्रे है, जो इसकी क्या कहते हैं पटिशनर की, वो तो ये है कि ये कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं थे, सेक्शन 9(3) के मुताबिक एलिजिबल नहीं थे, और जो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने इनकी जो दरख्वास्त है मतलब उनको उनको एक्सेप्ट करके उनको इलेक्शन लड़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह से पहले भी हुआ,
2006 में भी हुआ, और 2006 का उन्होंने एक नोटिफिकेशन जो है वो गालिबन शायद वो मेरी हाथ का नोटिफिकेशन हुआ हुआ है, उस वक्त मैं फेडरल गवर्नमेंट में था, तो उन्होंने कहा कि जी 2006 में भी एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उन्होंने कहा तो इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा जी इसको, ये तो एक प्रेसिडेंट है ना, और ये एक ये एक्ट से बढ़ के नहीं हो सकता। मतलब उस वक्त अगर किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी कानून जो है वो है ही नहीं। कानून मौजूद है, अगर नोटिफिकेशन हो गया या कोई प्रैक्टिस की मिसाल मौजूद है तो ये एक्ट से ऊपर नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप कोई इसके मामले में, इस बारे में कोई, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है, कोई और कोई डिसीजन है, कोई अगर आप वो कोट करना चाहते हैं तो वो आप बताएं मुझे, कोई उस तरह का कोई केस है तो वो एक केस उन्होंने कहा कि जी ये जो, फिर उन्होंने जो है ना वो अपना पिटिशनर को मुर्द इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये ताहिर निजामी साहब पिटिशनर हैं, ये लिटिगेंट आदमी हैं, और इसमें जनाब अली इन्होंने ये इनका शेवा यही है कि ये मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो दरख्वास्तें देते रहते हैं और कोर्ट्स में जाते रहते हैं और अदालत का कीमती वक्त जो है वो जाया करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा चले, अगर इन्होंने, फिर उन्होंने एक फैसले का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा जी ये 2018 में एक केस हुआ था, वो 2022 में डिसाइड हुआ, और उसके अंदर भी इन्होंने ये किया और वो किया और वो, ये वो हमने, उन्होंने कहा चले मुझे बता दें कि इन्होंने क्या किया फिर उसके अंदर। तो उन्होंने कहा जी हमने अपने उसमें एनेक्सर में जो है वो लगाया हुआ। उन्होंने कहा चले पढ़ के सुना दें। जब वो पढ़ के सुनाने लगे तो फिर उन्होंने कहा कि जो इससे मुतालिक है, जो सेक्शन 9(3) से मुतालिक अगर कोई बात है तो वो पढ़ के सुनाए, उसमें है कोई बात। उन्होंने कहा जी हाँ है। तो वो निकाल के जब पढ़ने लगे तो वो जब देखा तो उसके अंदर तो वो 9(3) से मुतालिक तो कोई ऐसी बात उस केस के अंदर नहीं थी। उन्होंने कहा जी इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये इसने जो पिटिशनर है वो कोर्ट में गया है या अदालतों में जाता है, वो यहाँ हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें यहाँ पे एक कानूनी जो इशू है उसको रिजॉल्व करना है कि वो मुझे आप बताएं कि आया सेक्शन 9(3) के तहत एक मौजूदा मेंबर जो है वो अपनी टर्म पूरी किए बगैर क्या इलेक्शन लड़ सकता है, यानी अगर लड़ सकता है तो इस सेक्शन के से मुताबिकत रखता हुआ कोई फैसला दें या कोई आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और इस सेक्शन के मुताबिक कहा गया हो कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये आज की बहस थी, और उन्होंने, जज साहब ने जो है वो फाइल एक तरफ रख दी और केस जो है वो, अब इसका मतलब है कि अब हम इस पे थोड़ा सा जो है ना वो इसका जायजा ले सकते हैं, इस पे अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो तजिया हमारा ये है कि देखें, बजाहिर जो बॉडी लैंग्वेज है जज साहब की वो ये है कि ये लोग जो रिस्पोंडेंट्स के वकील हैं वो सेक्शन 9(3) पे मौजिज अदालत को सेटिस्फाई जो है वो नहीं कर सके, और जाहिर है कि वो फैसला जो है वो जो उन्होंने जो महफूज किया होगा तो वो फैसला भी आ जाएगा। और जराए ने हमें ये बताया है कि जो रिस्पोंडेंट्स के वकील हैं उन्होंने अपने जो क्लाइंट हैं उनको ये कह दिया है कि जनाब फैसला जो है वो आपके खिलाफ आएगा, हम केस हार चुके हैं, और आप जो है वो अगले केस की जो है वो तैयारी करें, मतलब इसकी अपील की तैयारी करें। मतलब जहनी तौर पे जो है उनके वकला जो है वो इस बात पे अब इस बात को तस्लीम करते हैं, और जराए ने हमें बताया है कि जो उन्होंने इसका इजहार उनसे कर दिया हुआ है। तो ये देखें, जो कानून है ना वो कानून होता है। अच्छा, अब वो जो 2006 का नोटिफिकेशन था ना, वो चूंकि मेरे होते हुए वो इलेक्शन हुए थे, वहां पे मैं डेपुटेशन पे था, तो वो मेरे ही हाथ से हुआ हुआ, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे दस्तखतों से जारी हुआ हुआ नोटिफिकेशन है जो आज पेश किया गया था। देखिए उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई किसी ने इतराज नहीं किया था, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया था ये 9(3), ये पहली मरतबा ये ताहिर निजामी साहब ने इसको पॉइंट आउट किया है। और ये चूंकि इन्होंने इलेक्शन लड़ना था साबिक प्रेसिडेंट होम्योपैथिक डॉक्टर अब्बासी साहब के साथ, तो वो इनकी प्लानिंग थी, और उसी प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि अब्बासी साहब ने जो काउंसिल की आखिरी मीटिंग थी उसके अंदर रिजाइन किया था, क्योंकि इन्हें पता था कि जी ये जो है वो सेक्शन एग्जिस्ट करती है और ये काउंसिल के मेंबर होते हुए ही इलेक्शन लड़ेंगे, लिहाजा उन्होंने इसको पहले से जो है वो देख लिया था, और दूरबीनी से मुशाहिदा करते हुए उन्होंने जो है वो अपना रिजाइन जो है वो पेश किया था। तो कानून जो है वो यही है
एक जो मौजूदा मेंबर है वो इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकता जब तक वो अपनी टर्म पूरी ना कर ले, और रीनॉमिनेट नहीं हो सकता जब तक वो अपनी टर्म पूरी ना कर ले। अगर उसने इलेक्शन लड़ना है, री इलेक्शन में आना है, अगर उसने रीनॉमिनेशन में आना है, तो पहले उसको रिज़ाइन करना चाहिए। तो इन लोगों को रिज़ाइन करना चाहिए था, ये जो 12 लोग हैं इन्हें पहले रिज़ाइन करना चाहिए था, और रिज़ाइन के बाद इन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करने चाहिए थे। तो इस तरह से नहीं होता कि जिस तरह से उनके वकील साहब की ख्वाहिश थी कि चलिए जी आप हम इस्तीफ़ा दे देते हैं और फिर जो है वो नए सिरे से इलेक्शन हो जाते, ऐसे नहीं होता। क्योंकि कोर्ट में जो जिस जो जो प्रे की जाती है और उसी प्रे पे जो है वो फैसला होता है, ये मतलब प्रे उन्होंने की थी कि इसके मुताबिक एलिजिबल नहीं है, तो कोर्ट का अब ये फ़र्ज़ है बनता है कि वो डिसाइड करे कि ये एलिजिबल थे या नहीं थे। तो आमतौर पे कोर्ट जो है वो उस तरह से नहीं करती कि मतलब वो मांग कुछ रहा है और आप वो तो उसको दे नहीं रहे, आप दूसरे कैंडिडेट को जो है वो ओबलाइज कर देते हैं। तो ये तो ओबलाइज करने वाली बात होगी ना कि जी कानूनन एक आदमी जो है वो एलिजिबल नहीं था, अब वो ये कह रहा है कि जनाब ये तो हमारे साथ ज्यादती हो जाएगी, लिहाजा आप ये ऐसा करें कि इसको दोबारा से जो है ना वो कर दें। तो अदालत जो है वो आमतौर पर इस तरह से करती नहीं है। वो कोई खास केसेस होते हैं, जैसे पिछले दिनों जो है वो कुछ सिलसिला अदालत में चलता रहा है, जो केसेस सामने आते रहे हैं कि फैसला अपील जो है वो किसी चीज की थी और उसके अंदर जो है वो और चीजें जो है वो शामिल करके और उसको फैसला जो है वो दे दिया गया था। तो ये आमतौर पर नहीं होता, ये कोई मखसूस हालात में होता है। तो अब तक की जो सूरत हाल है उससे यही नजर आ रहा है कि, और मेरा जो जाती ख्याल है कि ये फैसला जो है ये रिट जो है ये एक्सेप्ट हो जाएगी, और रिट एक्सेप्ट होने के बाद फिर रिस्पोंडेंट के पास जो एक रेमेडी रह जाती है वो ये है कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करेंगे। और तज़िया मेरा ये है कि आमतौर पे जब कानून के मुताबिक अगर हाई कोर्ट फैसला करती है, और ये ट्रायल कोर्ट होती है, हाई कोर्ट और ये जो नीचे वाले जो ट्रायल कोर्ट हैं, ये इनमें सारी इन्वेस्टिगेशन सारी हो चुकी होती है, डॉक्यूमेंट सारे मौजूद होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही जजमेंट करनी होती है कि क्या ये इन्होंने फैसला कानून के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक दिया है या नहीं दिया है। तो जब वो देखेंगे कि जी ये कानून के मुताबिक फैसला मौजूद है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी इसके खारिज होने के इम्कानात होंगे अगर ये फैसला अगर ये रिट एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि अभी फैसला आया नहीं है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इस बात का है कि बज़ाहिर जज जो है वो जो कुछ कह रहा होता है तो बाद औकात फैसला उसके बिल्कुल बरक्स आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी डबल बेंच में जो है वो हेयरिंग थी मेरी अपनी, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो उस वक्त कोर्ट में, हाई कोर्ट में स्टे हो गया था, सिंगल बेंच ने मेरे हक में फैसला कर दिया था, डबल बेंच में जब वो गया तो एक जज साहब जो है वो मेरे खिलाफ ही जो है वो बोल रहे थे। वो कहते नहीं, रजिस्ट्रेशन से पहले आप होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं थे, आपका एक्सपीरियंस नहीं था, जब होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं थे तो आपका एक्सपीरियंस नहीं था, लिहाजा आप कैसे जो है वो पंजाब पुलिस कमीशन ने आपका एक्सपीरियंस कैसे कंसीडर कर लिया और ये कर लिया और वो कर लिया। तो मैं ये समझ रहा था कि फैसला मेरे खिलाफ आएगा, लेकिन जब फैसला आया तो वो टोटली डिफरेंट था। उन्होंने एक मिसाल दे के जो है वो फैसला लिखा कि जी ये जो प्रोफेशनल है इसके एक्सपीरियंस का रजिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, मतलब अगर उसने कोई एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन से पहले भी हासिल किया है तो जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का जो फॉर्म है, जो जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल किया जाता है, तो उसमें आखिर में एक कॉलम है कि टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी अभी रजिस्ट्रेशन उसकी हुई नहीं है और उसमें वो पूछ रहा है कि टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका कितना है। तो उस अदालत ने उस फॉर्म की कॉपी लगा के और वो बताया था कि जी काउंसिल जो है वो इस एक्सपीरियंस को कंसीडर करती है जो इस कैंडिडेट का जो है वो एक्सपीरियंस था रजिस्ट्रेशन से पहले पढ़ाने का, लिहाजा उन्होंने वो फैसला जो है वो मेरे हक में दिया। तो मैं बता ये रहा हूं कि बज़ाहिर नजर आता है कि जी बॉडी लैंग्वेज से मौजूद जस्टिस की कि जी जो है इसके खिलाफ फैसला आएगा, लेकिन बाज़ औक़ात फैसला
डिफरेंट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो फैसला जो है वो, लेकिन जो बाहर हालात नज़र आ रहे हैं इसमें ऐसा लगता है कि रेट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और ये जो 12 मेंबर हैं ये, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के चांसेस मौजूद हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।